welcome dear students in today's english spelling rules class so how uh, many spelling rules per today we will uh, learn uh, about the sixth rule of spelling spelling rule number six, six right a word ends in a double consonant जब एक वर्ड एंड होता है डबल कंसोनेंट के साथ कॉन्सोनेंट तो समझ आ गया होगा ना आपको बीस ट्वेंटी वन कॉन्सोनेट से हमारे इंग्लिश में ठीक है तो जब भी कोई वर्ड एंड होता है डबल कंसोनेंट के साथ इसका मतलब क्या है जब भी लास्ट में हमारे दो कंसोनेंट जैसे यहाँ पर हमारे पास आई एक्स तो एक है, है तो इसमें एक है आई वावल एक्स है कॉन्सोनेट यहाँ पर दोनों जो हैं एक वावल है एक कॉन्सोनेट है रूल है तो रूल में हमने क्या देखा ये अगर वर्ड रूल है इसमें एल जो है कॉन्सोनेट है ई है वाह तो ये भी डबल कॉन्सोनेट से एंड नहीं हो रहा है अब देखिए एक और वर्ड है हमारे पास कौन सा स्पेलिंग कौन सा है स्पेलिंग कौन सा है स्पेलिंग तो इसके एंड में क्या है एन और जी एन और जी तो दोनों एन और जी जो है क्या है कॉन्सोनेंट क्या है दोनों कॉन्सोनेट्स है तो यहाँ यानी ये वर्ड जो है इसका एंड होता है डबल कॉन्सोनेट्स के साथ किसके साथ होता है इसका एंड डबल कॉन्सोनेंट के साथ तो समझ आ गया होगा कि इसका मतलब वैन अ वर्ड एंड इन अ डबल कॉन्सोनेंट उसका मतलब ये तीन में से सिर्फ ये एक ऐसा वर्ड है स्पेलिंग एक ऐसा वर्ड है जो डबल कॉन्सोनेंट के साथ एंड होता है डबल कॉन्सोनेंट के साथ एंड होता है तो क्या करना हमने वैन अ वर्ड एंड इन अ डबल कॉन्सोनेट डू नॉट डबल डू नॉट डबल द लास्ट लेटर बिफोर द एडिंग एन आई एन जी अब हमने लास्ट लेटर को डबल नहीं करना है सिंपल आईएनजी को हमने क्या लगा देना है ठीक है जैसे हमारे पास कैली हैज बीन थिंकिंग अबाउट मेरिंग रिच कैली जो है थिंक कैली हैज बीन थिंकिंग तो थिंक को हमने टी एच आई एन के एन के जो है हमारे पास क्या है एन के एच आई एन के में एन के जो है डबल कंसोनेट है इसलिए हमने क्या लगा दिया सिंपल आई एन जी अबाउट मैरिंग एम ए डबल आर वाई तो आर वाई दोनों क्या है हमारे पास है आर वाई दोनों हमारे पास क्या है डबल कॉन्सोनेंट है तो सिंपल हमने क्या लगा दिया आई एन जी ठीक है इसी तरीके से अगर ये वर्ड देखें आप रिपोर्ट रिपोर्ट में आर और टी हमारे पास क्या है डबल कॉन्सोनेट्स तो क्या लगा दिया आई एन जी सी ओ पी वाई कॉपी पी वाई क्या है हमारे पास डबल कॉन्सोनेट्स तो पी वाई आई एन जी सिंपल आई एन जी बी ओ एम पी बम्प एम पी बम्प तो ये इधर क्या आएगा एम पी आई एन जी बम्पिंग वर्क डब्ल्यू ओ आर के वर्क आर के हमारे पास क्या है डबल कॉन्सोनेट्स तो क्या लगा दिया वर्किंग डब्ल्यू एस एच वॉश तो वॉश के साथ क्या लगा दिया वॉशिंग एस एच हमारे पास के हैं डबल कॉन्सोनेट डस्ट डी यू एस टी डस्ट डस्ट के साथ लगा दिया हमने डस्टिंग सी ए डबल आर वाई कैरी तो इसके साथ भी आप देख लीजिए क्या क्या लगता है आर वाई है लास्ट पे एच यू डबल आर वाई आर वाई है लास्ट पे एस पी वाई स्पाई है लास्ट पर पी वाई दोनों डबल हैं एन डी दोनों डबल हैं एम पी यहाँ पर दोनों डबल कॉन्सोनेट है सी एच यहाँ पर भी दोनों डबल कॉन्सोनेंट के साथ एंड होता है ठीक है ये आज हम रूल सिक्स के साथ रूल सेवन भी पढ़ लेते हैं छोटा सा रूल है इसमें ज्यादा वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे तो ये क्या बोलता है फार एक्शन वर्ड्स इंपॉर्टेंट याद रखिए आप एक्शन वर्ड्स अलग हैं नाउन अलग है नाउन के लिए फार्मूला अप्लाई नहीं होता है ये किसके लिए अप्लाई होता है वर्ब के लिए वर्ब क्या होता है एक्शन वर्ड्स डेट एंड एन आई ई जिसके एंड में आई ई e हो चेंज द आई ई टू अस में चेंज हो जाएगा वाई में चेंज द आई ई इन टू वाई बिफोर एडिंग एन आई एन जी आई एन जी एड करने से पहले क्या करना हमने आई ई -E को कन्वर्ट कर देना है वाई में यानि याद रखिए अगर किसी भी एक्शन वर्ड में किस में एक्शन वर्ड में लास्ट के दो लेटर्स आई ई हैं लास्ट के दो लेटर्स आई ई है तो आई ई दो, दोनों खत्म हो जाएंगे और जब हम जब कब खत्म होंगे अगर हमने उनको कंटिन्यूस में चेंज करना है किस में चेंज करना है कंटिन्यूस ऐसे खत्म नहीं होंगे जब हम उनको कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो लास्ट के दोनों जो है ये खत्म हो जाएंगे जैसे यहां पर एल आई ई लाई तो आई ई को खत्म कर दिया एल वाई लाई एल वाई लाई ब्रैन एनजॉय लाइंग ऑन हिज बेक टू वॉच क्लाउड्स तो एल आई ई को काट के एल वाई बना दिया सिंपल टी आई ई टाई इसको क्या जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे टी वाई आई एन जी टाइंग लाई इसके लिए तो बना दिया एल वाई आई एन जी डाई डी वाई आई एन जी डाइंग ठीक है तो ये याद रखेगा इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर आपके पास कुछ और वर्ड्स ऐसे निकल आते हैं लेकिन जो एक्शन में हो जो वर्ब हो तो ज़रूर लिखेगा आप आपने होमवर्क के अंदर ठीक है तो ये दोनों रोल नंबर रोल नंबर सिक्स रोल नंबर सेवन आज के लिए आपका होमवर्क भी है क्लास वर्क भी है ठीक है तो आप इन दोनों को स्टडी भी करेंगे लर्न भी करेंगे एक दो बार ये वीडियोज़ देखेंगे मैंने ये वीडियोज़ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में रखी है मेरा मोबाइल नंबर नाइन है अगर व्हाट्सअप पे आपको चाहिए होंगी ऑफलाइन में तो मैं आपको ऑफलाइन भी दे दूँगा और नहीं तो ये मेरी आ, जो यूट्यूब है प्राउड टू बी अ टीचर वहाँ पर भी अवेलेबल हैं ये सारे और अगर आपके प्रीवियस रूल्स आपने नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको ये सारे रूल्स मिलेंगे ठीक है थैंक यू